हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में भिन्न वाले सवाल को घटाना सिखाऊंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से और आसान तरीके से। अतः वीडियो में फुल वीडियो आप देखिए, और कहीं भी समझ में ना आए तो कमेंट करके अवश्य बताएं कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है। चलिए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने कुछ भिन्न वाले सवाल को लिख के रखा है। हमारे पुराने भी वीडियो को आप देख सकते हैं जिसमें हमने भिन्न वाले सवाल को जोड़ना सिखाया है। आप उस वीडियो को देखकर अच्छे से जान सकते हैं कि भिन्न वाले सवाल को जोड़ा कैसे जाता है, और इसमें चलिए हम घटाना सिखाते हैं कि भिन्न वाले सवाल को घटाया कैसे जाता है। सबसे पहले आपको भिन्न वाले सवाल में देखना रहता है कि इसके हर में हमारा हर सामान है कि नहीं सामान है। अगर हर सामान होता है तो इसमें हमको कुछ नहीं करना रहता है, लेकिन अगर हर सामान नहीं होता है तो हर को सामान करना पड़ेगा। या दूसरा तरीका, हम आपको आसान तरीका बता देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा है 2 पॉइंट 3, लिखा है 4 पॉइंट 3। अब देखिए, इसका दोनों का हर हमारा समान है तो क्या करना है, मात्र हर को हमको एक बार लिखना है। ठीक, फिर क्या करना है, 2 यहाँ है तो 2 को यहाँ लिखना है, यहाँ माइनस है माइनस लगाना है, और यहाँ 4 हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि आपके पास 2 रुपये हैं। अब आपको 2 रुपये में से 4 रुपये को घटाना है, तो कैसे घटाओगे? सबसे पहले सोचिए कि आपके पास 2 रुपये हैं और 4 रुपये की आपको आवश्यकता है, तो क्या करोगे? आप दुकानदार के पास जाओगे तो वो 2 रुपये उधार करोगे कि नहीं करोगे? तो जब किसी का आप बाकी करते हो कुछ रुपये, तो वो माइनस में लिखा जाता है, 2 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। ठीक है, मतलब 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2 बचेगा, 3 बचेगा। और हर हमारा सामान हुआ तो तुरंत काम हो गया। अब देखिए, इसका हर सामान नहीं है तो क्या करेंगे हम? इसके पास 2 तरीके हैं। पहला है कि इसको हम हर बराबर कर दें, और दूसरा है कि बिना हर बराबर किए हम लगाएं। तो सबसे पहले आसान तरीका देखिए, देखिए अगर हम 2 को 5 से गुणा करते हैं, 2 को हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। 5 2 या 10, सभी लोग जानते हैं ना। फिर क्या है, माइनस, हम यहाँ माइनस लगाएंगे। फिर देखिए 6, ये 6 है और इसको हम इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 गुणे 6। फिर नीचे हम बटा का निशान लगाएंगे, इसको हम इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 गुणे 2। अब देखिए क्या होगा, 5 को हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। फिर माइनस से माइनस लगाएंगे, 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। फिर देखिए, वैसे आ गया, आपके पास 10 रुपये हैं, आपको 10 में से 18 को घटाना है तो आपका क्या बचेगा, -8/6 बचेगा। ठीक है, दूसरा तरीका भी देख लीजिए हर को सामान करने के लिए। तो हमको क्या करना है, 2 यहाँ है और 3 है, तो क्या करेंगे, 2 और 3 का जब एलसीएम निकालते हैं हम तो ये कट जाता है, ये भी 3 से कट जाएगा, आपका क्या बचा, 2 3, मतलब आप जाएगा 2 × 3 मतलब 6 6 आया ना। अब आपको हर में यहाँ 6 लाना है, तो यहाँ 3 है तो 3 में हम किससे गुणा कर देंगे, 6 हो जाए, तो ऊपर नीचे हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ 2 है तो यहाँ ऊपर नीचे 3 से गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर देखिए, 2 को 5 से गुणा किए तो क्या हो गया, 10। 2 को 3 से गुणा किए तो क्या हो गया, 6। फिर क्या है, माइनस, 3 को इससे गुणा किए तो 18 हो गया, 2 को 3 से गुणा किए तो 6 हो गया। अब देखिए, हर सामान हो गया कि नहीं हो गया, तो मात्र हर को एक बार लिखते हैं, 10 - 18, आपका आ गया -8/6, वही तो आया है। तो चाहे आप हर सामान वाला सोचिए, चाहे इस तरीके से लगाइए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप सब देखना क्योंकि ये बहुत आवश्यक है क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए कि 2 सही 3/5 लिखा है या 2 सही 3/5 लिखा है। तो सबसे पहले हर को हमको इसको सही के रूप में लिखना है, इस सब के तरीके से लिखना है। देखिए, 2 को हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा, 2 × 5, इसको हमको इससे गुणा करना रहता है और इसको जोड़ देना रहता है, +3 करेंगे, 2 × 5 + 3। ठीक है, 2 को हमने 5 से गुणा किया और 3 जोड़ दिया, और नीचे बटे में क्या था, 5। ठीक है,
फिर माइनस लगाए। अब क्या करेंगे, टू को फिर थ्री से गुणा करेंगे और फोर जोड़ देंगे। टू को थ्री से गुणा करेंगे और प्लस फोर जोड़ देंगे, फिर क्या है नीचे थ्री है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, टू को फाइव से गुणा किए तो कितना हो गया, टेन प्लस थ्री अपान फाइव, माइनस टू को थ्री से गुणा करेंगे तो क्या होगा, सिक्स प्लस फोर अपान थ्री। अब देखिए क्या हो गया हमारा, ये कितना हो जाएगा, थर्टीन अपान फाइव, और ये हो जाएगा माइनस टेन अपान थ्री। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तिरछा गुणा करिए पहले। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्री को थर्टीन से गुणा करेंगे तो थर्टीन इंटू थ्री हो जाएगा, थर्टीन इंटू थ्री हो जाएगा, फिर क्या है माइनस फाइव को इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, टेन इंटू फाइव हो जाएगा, फिर क्या होगा, इसको इससे गुणा किए तो फाइव इंटू टेन हो गया, फाइव को थ्री से गुणा करेंगे तो फाइव इंटू थ्री हो जाएगा। अब देखिए थर्टीन थ्री जा कितना होता है, थर्टी नाइन होता है, टेन फाइव जा कितना होता है, फिफ्टी होता है, फाइव थ्री जा कितना होता है, फिफ्टीन होता है। आपको पता होना चाहिए कि थर्टी नाइन में से हम फिफ्टी को घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए जैसे हमने टेन को घटाया एट्टीन से तो माइनस एट बचा, टू सो टू को घटाया फोर से माइनस टू बचा, वैसे इसको भी इससे घटाएंगे देखिए क्या बचता है। आपको पता होना चाहिए कि टेन से जब हम इस जीरो से नाइन तो घटेगा नहीं तो उधार लेंगे इससे, तो टेन में से आपका नाइन घटेगा तो वन बचेगा, फोर में से थ्री घटेगा तो वन बचेगा, लेकिन हमको थर्टी नाइन में से फिफ्टी को घटाना था इसलिए माइनस लगाएंगे और ये नीचे फिफ्टी आ जाएगा। आपको पूरे क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले हमने माइनस लगाया है घटाते समय, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को जब घटाते हैं तो माइनस लगा देते हैं, लेकिन सोचिए कभी माइनस क्यों हम लगाते हैं, आपको ये बताते हैं। आज देखिए अगर आपके पास दो रुपये हैं और एक रुपये की आपको टॉफ़ी या कुछ भी चाहिए तो आप दुकानदार के पास जाएंगे, दो रुपये देंगे, एक रुपये की टॉफ़ी लेंगे और दुकानदार आपको एक रुपया वापस करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। लेकिन वही मान लीजिए आपके पास एक रुपये हैं और आपको दो रुपये की टॉफ़ी लेनी है तो क्या करोगे, दुकानदार को एक रुपये दोगे और दो रुपये की टॉफ़ी ले हुए तो एक रुपये उसके बाकी नहीं हो जाओगे, तो आप जब किसी का बाकी हो जाते हो तो उसको माइनस में लिखा जाता है और जब आपके पास पैसे होते हैं तो धनात्मक के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास दो रुपये थे, आपको एक रुपये की किसी चीज़ की सामान ले लिए तो आपके पास एक रुपये बचे कि नहीं बचे, एक रुपये आपके पास हैं धनात्मक में, लेकिन जब आपके पास एक रुपये हैं और दो रुपये की आपकी कुछ कोई आवश्यकता है लेना कुछ भी है आपको, तो एक में से दो को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस वन ही तो बचेगा। अच्छे से वीडियो को देखिए, जहाँ समझ में ना आए कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए आपका फाइव अपान थ्री दिया हुआ है, माइनस फिर दिया है सिक्स अपान वन दिया है, तो इसको कैसे लगाओगे, पुराने ही तरीके से हमको सबसे पहले फाइव को वन से गुणा करना है, फाइव इंटू वन, ठीक माइनस है माइनस लगाएंगे, सिक्स इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, थ्री इंटू सिक्स हो जाएगा, नीचे क्या है थ्री को इससे गुणा करोगे और थ्री इंटू वन तो क्या होगा, फाइव वन जा फाइव, फिर क्या होगा माइनस है थ्री सिक्स जा एट्टीन अपान थ्री वन जा थ्री, फिर से देखिए वैसे आ गया, फाइव में से हम एट्टीन को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस थर्टी थ्री अपान थ्री। ठीक है, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।